गुंबद से गारों तक, ट्री हाउसेस से बर्फानी इग्लोस तक, दुनिया भर में ऐसे अनोखे घरों की कमी नहीं जो देखने वालों को हैरत में मुब्तला कर दे, बल्कि हो सकता है कि इनके मुंह खुले के खुले रह जाएं। और ऐसे ही सबसे अजीब तरीन घर देखना आपकी जिंदगी का भी हैरत अंगेज तजर्बा साबित हो सकता है। हिडन सीक्रेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है नाजरीन। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको दुनिया में मौजूद अजीबोगरीब घर के बारे में बताएंगे। जी नाजरीन, तो घर किसको प्यारा नहीं लगता, और इसकी मलकियत का ख्वाब तो हर इंसान ही देखता है। ये दर हकीकत सिर्फ चार दीवारों और छत नहीं होता, बल्कि इसमें रहने वालों की यादों और आदतों से बनता है, जो इस रहायशगाह को जन्नत या जहन्नम बना देते हैं। मगर हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि इसका घर आसपास रहने वालों, गली मोहल्ले, इलाके, शहर, बल्कि मुल्क या दुनिया भर में भी सबसे ज्यादा मुनफरिद हो। हमारी आज की इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसे ही दिलचस्प और अनोखे किस्म के घर के नक्शों से मुतारफ करवाएंगे। ये सब जानने के लिए वीडियो से आखिर तक बंधे रहिएगा। नंबर 21, एरोप्लेन हाउस, नाइजीरिया। हो सकता है कि दूर से देखने पर आप धोखा खा जाएं और इसे एक प्यारा ही समझ लें, मगर दर हकीकत ये एक जहाज की शक्ल का अनोखा घर है। इस घर को नाइजीरिया के शहर अबूजा के रहायशी सैयद जमाल ने अपनी अहलिया लीजा की याद में तमीर कराया, जिसे सफर करना बहुत पसंद था, और उसके गुजर जाने के बाद अफसरदा शोहर को इससे अच्छा खराज अकीदत समझ में नहीं आया। है ना दिलचस्प बात। अगर आपको सैयद जमाल का अपनी अहलिया के लिए ये खराज अकीदत पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नंबर 20, एयरबस A380। धोखा ना खाएं, ये घर शमाली लबनान के इलाके में ज़ियारा में वाक़िया है, जो एयरबस A380 की नकल है। नंबर 19, चेक रिपब्लिक। एक 70 साल शख्स ने चेक रिपब्लिक इलाके वाहल के मामले में ये घर तमीर किया, जो अपने इतराफ में ऊपर नीचे घूम सकता है। इस घर की तमीर लगभग 20 साल में मुकम्मल हुई। नंबर 18, हेलीडोम फ्रांस। हेलीडोम नामी ये शमसी घर मशरकी फ्रांस में स्ट्रासबर्ग के करीब तमीर किया गया, और इसे एक बहुत बड़ी 3D धूप घड़ी के तौर पर डिजाइन किया गया। ये सूरज की हरकत के साथ अपना रुख बदलता रहता है, ताहम बुनियादी तौर पर इसे मौसम गर्मा के दौरान गर्मी से तंग अफराद को छांव फराहम करने के लिए तमीर किया गया है, क्योंकि इसके अंदर दर्जा हरारत ठंडा रहता है, जबकि सर्दियों में सूरज की रोशनी बड़ी खिड़कियों से घर के अंदर रहती है, क्योंकि इन दिनों आसमान पर सूरज की पोजीशन काफ़ी नीचे होती है, जिससे अंदर का माहौल गर्म रहता है। नंबर 17, कमर पर लदा घर। ऐसा घर कौन पसंद करेगा जो हर वक्त आपकी कमर पर लदा रहे और आप जहां जाएं इसे साथ लेकर जाएं। मगर चीन के 38 साल लियोलिंग चाओ को तो यही पसंद है। 5 साल कबर लियो ने लियोजाओ नामी इलाके से अपने आबाई कस्बे रोंगन वापस जाने का फैसला किया, जो कि 462 मील के फासले पर वाकया था, और यही सोचकर इसने बांसों, प्लास्टिक बैग्स और चादरों की मदद से 5 फुट चौड़ा और 6.5 फुट लंबा सफरी घर तैयार कर लिया, जिसका वजन 60 किलो के करीब है, और वो इसे कमर पर लादकर रोजाना 12 मील तक सफर करता है। नंबर 16, दरिया के पत्थर पर टिका घर। सर्बिया के दरियाए डरेटा के ऐन वस्त में एक ऐसा अनोखा घर मौजूद है, जिसे एक उभरी हुई चट्टान पर बनाया गया है। लकड़ी की मदद से तमीर किए जाने वाला ये मुनफरिद घर 1968 में चंद नौजवानों ने इसलिए तमीर किया था, क्योंकि इनके ख्याल में ये चट्टान एक छोटी पनागाह के लिए मिसाली मुकाम है। ये घर ना सिर्फ आर्ट का नमूना है, बल्कि अपने अनोखे तर्ज तमीर की वजह से सियाहों की तवज्जो का खास मरकज भी बना रहता है। नंबर 15, ट्री हाउस। दरख्तों पर तो घर बनाना जमाना कदीम से ही इंसानों का शौक रहा है, मगर जनूबी फ्रांस के इलाके लिपियान में डोक में वाकया ये गोल ट्री हाउस अपनी मसाल आप है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किसी की मलकियत नहीं, बल्कि एक कंपनी माहौलियाती तातीलात के ख्वाहिशमंद अफराद को किराए पर देने के लिए देती है, ताकि वो कुदरती मनाजर और माहौल में रहकर लुत्फ अंदोज हो सकें। नंबर 14,
नकली चट्टानों से बना घर। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग की एक 26 मंजिला रहायशी इमारत की छत पर एक मंचले ने एक अनोखा घर तामीर कर डाला, जिसे इसने मसनू पत्थरों से तामीर किया था। किसी पुराने मकबरे की शक्ल के इस घर के साथ बाग भी था, ताहम इसे गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया था, लिहाजा अगस्त 2013 में तामीर किए जाने के बाद महज 15 रोज में ही इसे गिरा दिया गया था। नंबर 13, जरूफ में बना घर। क्या कभी आपने बर्तनों की शक्ल का घर देखा है? नहीं ना, तो चलें आज हम आपको इस शक्ल का भी घर दिखाते हैं। वस्ती स्पेन के इलाके सोक्यूला माउस में जैसे ही कोई जाता है, वहाँ मौजूद घरों को देखकर हैरान रह जाता है, जो कि एक मशरूब के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बहुत बड़े बर्तनों या जरूफ में तमीर किए गए हैं। ये घर बल्गारिया से आने वाले तुर्क अफराद ने तमीर किए, जो यहाँ हर साल 6 हफ्ते के लिए फलों को चुनने के लिए आते हैं, और इस दौरान वो अपनी रातें इन अजीब घरों में गुजारते हैं। कंक्रीट के ये बैरल नमा घर इन वर्कर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। नंबर 12, बुलंदों वाला इमारत पर बना जंगल नमा घर। ग्वांगजो की 19 मंजिला इमारत के टॉप फ्लोर पर ये पौधों और दरख्तों में छुपा अनोखा घर 10 साल कबल तमीर हुआ, और वो भी गैर कानूनी तौर पर, जिसके मालक को 2012 से कानून नाफज करने वाले अदारे तलाश कर रहे हैं, और ये अनोखा घर चीन में मौजूद है। नंबर 11, कंटेनर हाउस। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में 4 शिपिंग कंटेनर्स की मदद से 3 बेडरूम्स का ये घर तैयार किया गया, जो 2 मंजिलों पर मुश्तमिल है। नंबर 10, रियो डी जनेरो। ब्राज़ील में लकड़ी के तख्ते और जाल पर टिके एक इंतहाई छोटे घर के रहायशियों को वहां तक पहुंचने के लिए काफ़ी मुशक्कत करना पड़ती है, क्योंकि ये एक इमारत की दीवार की साइड में लगे हुए हैं। नंबर 9, चट्टान तराश कर बनाया गया घर। मेक्सिको की शिमाली रियासत क्वाहिलिया में एक शख्स बंतो हर्नानर्ज ने एक बहुत बड़े चट्टानी पत्थर को तराश कर एक मुनफरद घर की शक्ल दे दी। बंतो और उसका खानदान गुज़श्ता 30 बरसों से इस 131 फुट बड़ी चट्टान को अपनी रहायशगाह के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जिसका नज़ारा देखने वालों को हैरान कर देता है। नंबर 8, क्रोकोडाइल हाउस। हो सकता है कि आयोरी कोस्ट जाने पर अगर आप इस घर के पास से गुजरें तो एक झटका लगे कि इतना बड़ा मगरमच्छ यहाँ क्या कर रहा है, मगर ये तो एक आर्टिस्ट मूसा कलाओ की तख्लीकी सलाहियत का शाहकार है, जो उन्होंने खैरियता नामी शख्स के लिए डिज़ाइन किया। दिलचस्प बात यह है कि इसे डिज़ाइन करने वाले मूसा इसकी तामीर मुकम्मल होने से पहले ही इस दुनिया से चल बसे थे, जिसे बाद में खैरियता ने मुकम्मल किया था। नंबर 7, दुनिया का सबसे पतला घर। पोलैंड के इलाके वारसा में दुनिया का सबसे पतला घर मौजूद है, जो महज 36 इंच चौड़ा और 47 इंच लंबा है। दरहकीकत पोलैंड में जगह की कमी के बायस एक ही खानदान के कई लोग एक घर में रहायश पसी होते हैं, इसलिए एक फनकार एडगर कैरेट ने 2 इमारतों के दरमियान बच जाने वाली जगह को इस्तेमाल में ला के इस खूबसूरत और नन्हे घर को तामीर किया। नंबर 6, शार्क हाउस। इस तस्वीर को ये ना समझे कि कोई शार्क मछली घर की दीवार को तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है, बल्कि फाइबर ग्लास से बनी 25 फुट लंबी शार्क का मॉडल है, जो घर को कुछ अजीब बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये अजीबोगरीब घर इंग्लैंड में पाया जाता है। नंबर 5, अपनी शक्ल बदल लेने वाला घर। हांगकांग के आर्किटेक्ट गैरी चांग ने अपने लिए 330 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट तमीर कर रखा है, मगर इसे कोई आम घर मत समझें। दर हकीकत गैरी इस जगह 30 साल तक मुकीम रहे, और फिर उन्होंने इसे माहौल, दोस्त और गुंजाइश के लिहाज से इंतहाई मुअसर बनाया, क्योंकि इसकी दीवारों को जब मर्जी यहाँ वहाँ मुश्किल करके अपनी मर्जी की शक्ल देकर जगह बनाई जा सकती है। नंबर 4, उल्टा सीधा घर। अगर इस घर को देखकर आपको अपनी बिनाई या दिमाग पर शुबा होने लगे तो ये गलत नहीं, क्योंकि रूस की रियासत साइबेरिया के इलाके क्रासोयार्सिक में तामीर किया गया ये घर उल्टा सीधा है, यानी इसे इस अंदाज में तामीर किया गया है कि ये उल्टा नजर आता है, और इसके अंदर जाने वालों का तो दिमाग ही घूम जाता है, क्योंकि बिस्तर और कुर्सियाँ छत पर पड़ी होती हैं और पंखा फर्श पर, मगर ये महज आँखों का धोखा है। इस चीज़ ने इस घर को मकामी अफराद समेत बैरूने मुल्क से आने वाले सियाहों में भी बहुत मकबूल बना दिया है। नंबर 3, चट्टानी बंगला। अगर अमरीकी रियासत योटा में कोई दी रॉक का नाम ले तो इसका मतलब यहाँ के खानदान मरून की मलकियत में मौजूद इंतहाई नोखा घर है, जो एक बुरबड़ी चट्टान को तराश कर 35 साल पहले तामीर किया गया था। इस घर की तामीर के लिए इस चट्टान में धमाके कर कर के कमरों और गोदाम वगैरह को तामीर किया गया, और अब ये देखने वालों को हैरान कर देता है। नंबर 2,
आइसहॉर्स जर्मन शहर बर्लिन में 2005 में एक बैंक ने अपने कारोबार को फरोग देने के लिए एक घर तमीर किया जो मुकम्मल तौर पर बर्फ से तैयार किया गया। इस घर की तमीर के लिए 1000 के लगभग बर्फ की सीलें इस्तेमाल की गईं, जबकि इसमें मौजूद तमाम सामान और सजावट वगैरह को भी बर्फ से ही मुमकिन बनाया गया। ताहम यहाँ इतनी ठंडक होती है कि बहुत ज्यादा देर तक रुकना मुमकिन नहीं होता। नंबर 1 गुम्बद नुमा घर। इंडोनेशिया के तारीखी शहर योग्याकर्ता में जलजले के बाद बेघर होने वाले अफराद के लिए ये गुम्बद या मकबरे नुमा घर तमीर किए गए। ये अनोखा डिजाइन एक अमरीकी कंपनी डोम्स का था जिसने बेघर अफराद के लिए 70 ऐसे घर तमीर किए जो दूर से देखने पर बहुत ही अजीब नजर आते हैं। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो थम्स अप दें। और आपको कौन सा घर सबसे दिलचस्प लगा, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और मजीद ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।